डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा रहा था, जो कि वो पूर्ण हो चुका है। आज हम आपको इसी शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, उद्देश्य और शिक्षा के प्रकार में ही एक चर्चा करनी है हमें आपसे कि वर्तमान जो भारत है, शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है, इसमें वे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं, इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक जो निम्न हैं, एक एक करके एक एक बिंदु की चर्चाएं हम आपसे करेंगे। पहला है दर्शन, फिलॉसफी। शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनेक दर्शनों के अध्ययन से हम यह अनुभव करते हैं कि प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा विभक्ति, व्यक्तिगत का विकास, संबद्ध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय तथा प्रजाति प्रगति प्राप्ति की प्रगति ही शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य बनाए गए थे। परंतु आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास आदि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। अर्थात दर्शन के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य थे, वो अपने सुविधा के अनुसार उन लोगों ने उसमें अपने अपने हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की। जैसे दर्शन में ही एक लाइफ फिलॉसफी है, जीवन दर्शन। क्योंकि हमारे समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के जीवन जीने के जो ढंग हैं, उसका विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के आधार पर समाज में उन्हें जीवन जीने की कला सिखाता है और समाज में कैसे मिलकर के लोगों के साथ, समाज के सभी सदस्य एक दूसरे को अपने जीवन का सच्चरित्र का पालन करते हुए इस देश और समाज और राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक का जो जीवन मूल्य है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी शिक्षा का प्राप्ति का जो उद्देश्य है सफल होगा। इसमें अगली विचारधारा राजनैतिक विचारधारा है। हमारे आपके देश में जो शासन करने वाली सरकार की शिक्षा व्यवस्था का कार्यभार संभालते हैं, वह अपने अनुरूप जितनी भी सरकारें होती हैं, वो अपने अपने अनुसार शिक्षा के ढांचे का गठन करती हैं। और इस शिक्षा के गठन करने का उद्देश्य उनका यह होता है कि वर्तमान समय के अनुसार
हम अपनी शिक्षा को इस तरह का ढांचा बनाएं जिससे इस जनमानस में इस शिक्षा का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो। लेकिन इस राजनीतिक विचारधारा में प्रत्येक राजनीति का अपना अलग अलग ढंग से कार्य करने की, अपनी एक उस शिक्षा की ढांचे के परिवर्तन करने की, अपनी उनकी विचारधाराओं का प्रभाव शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अगला है इसमें सामाजिक विचारधाराओं, समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस भारत देश के सभी समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना है, उन्हें जीविकोपार्जन की शिक्षा देनी है और इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वो अपने जीविकोपार्जन के संसाधन को चलाने में वो सफल रहें, यानी उनका जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनके जीवन की, उसकी प्राप्ति हो जाए, उसकी पूर्ति हो जाए, तो शिक्षा का सार्थक समझते हैं और शिक्षा का भी जो उद्देश्य है वह भी सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूर्ण होता है। क्योंकि समाज में शिक्षित व्यक्ति वो अपनी जीवन नौका को चलाने के लिए वो संसाधन ढूंढता है, जो भी संसाधन उसे मिल जाए उस संसाधन को बहुत अच्छे बुद्धिमत्ता ढंग से अपने जीविकोपार्जन को चला ले, यह शिक्षा का महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला इसमें आता है आर्थिक दशाएं। किसी भी देश की जो आर्थिक स्तर है वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य को बहुत प्रभावित करती है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ढांचे उद्देश्य को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। फलस्वरूप यानी जो इन लोगों की योजनाएं बनाई वह योजना का सिर्फ रूप हो जाता है किंतु उसका क्रियान्वयन आर्थिक दशा के रूप में वह 100% पूर्ण नहीं हो पाता और व्यवहारिक रूप में ही ना ही उसको जनमानस में अपना पाते हैं। यानी शिक्षा में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट इसमें अगला आता है तकनीकी उन्नति यानी टेक्निकल डेवलपमेंट। शिक्षा के उद्देश्यों पर उस देश की तकनीकी उन्नत की अमित छाप पड़ती है। यदि देश विकसित है तो उसकी शिक्षा और उसकी तकनीक को बढ़ावा देना, नवीन खोजों का प्रोत्साहन देना, ये हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी होता है और कारण भी होता है। इसके विपरीत आप देखें कुछ देश पिछड़ जाते हैं, वहाँ शिक्षा का जो उद्देश्य है दूसरे देशों से नकल करने के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं अवशेष रह पाता। तो होता क्या है कि वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसा अभी आप देखें कोरोना महामारी के चलते तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम महाविद्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, नेशनल स्तर का, इंटरनेशनल स्तर का। लोग अपने घरों पर उस वेबिनार के माध्यम से, इस तकनीकी के माध्यम से अच्छे अच्छे विद्वत लोगों के विचार को सुन करके, समझ करके, या अपने विचारों को इस तकनीकी के माध्यम से एक आम जनमानस के बीच में फैलाने का कार्य करते हैं। यानी यदि यह तकनीकी ना होती तो इस प्राकृतिक आपदा में हर व्यक्ति एक दूसरे से संवाद ना कर पाता।
आज जो शिक्षा का नवीनीकरण है, जो उसका तकनीकी जो साधन है, उस तकनीकी साधनों का हम प्रयोग करके कहीं किसी तरह की कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो, यानी जो शिक्षा की जो दशा है उसमें किसी तरह की विसंगति ना हो, इस तरह से हम अपनी तकनीकी उन्नति के माध्यम से ही, यानी हमारी जो शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में तकनीकी उन्नत भी एक अहम उन्नत का एक कारक माना जाता है। इसमें नेक्स्ट अगला आता है प्राकृतिक दशाएँ। शिक्षा के उद्देश्य को देश का प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा आदि भी प्रभावित करता है। वहाँ के वातावरण से समायोजन करने तथा देश के प्राकृतिक तत्वों के विषय में जानकारी देना वहाँ की शिक्षा का अहम कार्य होता है। इस तरह से ये जो भी लगभग 7 बिंदुओं की चर्चाएं मैंने आपसे की, इन 7ों बिंदुओं के जो निष्कर्ष आता है वो ये आता है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण वहाँ के दर्शन, व्यक्तियों के जीवन दर्शन, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनैतिक विचारधाराएं तथा तकनीकी जो उन्नति है और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की धार्मिक संस्कृति, सभ्यता तथा जो अन्य देशों के लाभदायक अनुभवों पर भी हम शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बाहर के यानी अन्य देशों का पुस्तकों को ना पढ़ें, हम अपने भारतीय देश की, क्योंकि भारत में ज्ञान का भंडार है, बशर्ते इस ज्ञान की धारा को समझने के लिए, उसमें रमने के लिए हमारे मनीषियों, हमारे शिक्षा शास्त्रियों, हमारे बुद्धिजीवियों की रचित जो पुस्तकें हैं, जो विचार हैं, उनको पढ़ करके हम वर्तमान समय में शिक्षा की जो उपयोगिता है उसको बहुत कुछ उसको उपयोगी बना सकते हैं। और वह उपयोगी होने के साथ साथ वो हमारे वर्तमान भारत देश की शिक्षा की जो दशा है, जो उद्देश्य है, उस कारक में वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।